I'm at a student at Hamburg University of Technology. I'm studying their masters in chemical and bioprocess engineering. And aate hi immediately tujhe part-time jobs mile ya and when working student ka job kab mila? 140 to 150 applications and most main to aise soch raha tha ki blacklist bhi kar diya kya kyunki main continue apply hi karte ja raha tha. I think those kids na? Yeah, those kids. Let's start. So hi guys, welcome back to Mumbai Car in Germany. Mera naam hai Shraddha and I make videos about studies, work, life and basically everything about Germany. So agar aap logon ne ab tak subscribe nahi kiya hoga guys, so do subscribe it. And one more thing, after a long time I'm back on YouTube. Yes, kuch personal reasons the. Jo bhi mujhe koi Instagram mein follow kar raha hai, they know about it. मैं खड़ी हूँ स्टूडेंट डॉर्म में हैम्बर्ग के, जहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड जबूर. हाय. सो जबूर, प्लीज कैन यू इंट्रोड्यूस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना तेरा. यस यस. सो हे गाइस, आई एम जबूर. I'm at a student at Hamburg University of Technology. I'm studying their masters in chemical and bioprocess engineering and I'm from Nashik, Maharashtra. Yes, from Nashik, Maharashtra. Maharashtra se hai, wo Maharashtrian touch hai. So I'm super happy iske sath first video karne ke liye. But coming back to the topic, Jabur, ki ek rough idea batayega ki tu Germany mein kab aaya, like kaun se year mein aaya, and aate hi immediately tujhe part-time jobs mile ya and when working student ka job kab mila? थोड़ा सा एक रफ आइडिया अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स आल्सो. स्टूडेंट आते ही इमीडिएटली कर सकते हैं क्या पार्ट टाइम जॉब्स? सो यस, आई केम हियर इन जर्मनी इन सितंबर 2022 एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम जॉब्स इन द फील्ड्स ऑफ डिलीवरी, वेयरहाउस क्लीनिंग एंड ऑल सिंस अक्टूबर 2022 एंड देन आई डिड दोज जॉब्स फॉर ऑलमोस्ट 8 महीने तक. एंड 8 महीने के बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर टेक्निकल जॉब्स ऑल्सो. बेसिकली क्योंकि मेरे फ्रेंड्स दूसरे तो कर ही रहे थे, दे वर ऑल्सो गेटिंग वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स, सो दे ऑल्सो इंस्पायर्ड मी टू फाइंड अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब. सो इन द जनवरी ऑफ 2023 आई स्टार्टेड अप्लाइंग एंड इट टुक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स फॉर मी टू गेट द फर्स्ट वर्किंग स्टूडेंट जॉब इन जर्मनी. कुछ बच्चों को आने के बाद विद इन अ मंथ भी मिल जाता है, कुछ बच्चों को एक साल भी लग सकता है. या थैंक यू. सो आगे जाके हम लोग अभी वही बात करेंगे जैसे कि तूने बता दो, जो वर्किंग स्टूडेंट्स का जॉब तो मिला बट स्टार्ट तूने पार्ट टाइम से किया था. बिल्कुल बिल्कुल. सो पार्ट टाइम में क्या है, कितने मतलब स्टूडेंट्स यहाँ आने के बाद कितना अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब में और कैसे अप्लाई करना है, पार्ट टाइम जॉब्स कैसे मिलेंगे? हाँ, सो पार्ट टाइम जॉब्स मिलना इट्स काइंड ऑफ इजी. फॉर एग्जांपल दोस मेनियल जॉब्स, डिलीवरी जॉब्स, क्रूज शिप्स वगैरह में काम करना, वी गेट लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन डॉर्म्स में, देन टू यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स वगैरह पे, एंड देन इट्स इजी टू अप्लाई. अप्लाई करने के ऑलमोस्ट एक दो हफ्ते के बाद हमें मिल जाता है. ओके. या बट द ओनली प्रॉब्लम विद द वर्किंग स्टूडेंट जॉब इज वहाँ पे फिर थोड़े बड़ी प्रोसेस होती है, ज़्यादा बड़े इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह होता है, तो इसलिए वर्किंग स्टूडेंट में थोड़ा टाइम लगता है. बट पार्ट टाइम मेनियल जॉब्स मिल जाते हैं जल्दी. Yes. Okay, that's nice to know. God. Hamburg. You can't come. Welcome to Hamburg. Welcome to Hamburg. Actually, so guys, it's super windy. जैसे कि आप देख रहे हो सनशाइन है बट इट्स सुपर विंडी, वी आर नॉट एबल टू वीडियो बट स्टिल हम लोग शुरू हैं. जरा बैठ के बात करें. यस एक्चुअली इट्स सुपर विंडी यार जबूर. चल थोड़ा बैठते हैं. Yes. और नाइस आराम से बैठते हैं लोग जबूर का इंटरव्यू लेंगे. हाँ फाइनली वेंट थोड़ा रुक गया. थैंक गॉड वी आर गोइंग गेट बैक अगेन. बट यस, सो अप्लाई कैसे करना है वर्किंग स्टूडेंट के लिए, तू तेरा एक्सपीरियंस प्लीज कैन यू शेयर as a working student? Yes, so I'm working in a management field in an aviation industry. So basically it's a configuration and change management mein. Yeah. And it's kind of not related to my field of chemical and bioprocess, however I didn't want to do those menial delivery jobs and all. Yeah. Iske wajah se I started applying in company and ye job mujhe thankfully mil gaya, to I just took it. I almost applied to 140 to 150 applications. Yeah. And it took me almost 6 months. एंड या बहुत सारे रिजेक्शन वगैरह आए थे, कुछ कंपनीज ने तो ऑलमोस्ट मैं तो ऐसे सोच रहा था कि ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया क्योंकि मैं कंटिन्यू अप्लाई ही करते जा रहा था, बट स्टिल देवर रिजेक्टिंग. एंड बीट एनी फील्ड, मैनेजमेंट रहो या फिर इंडस्ट्री का जॉब रहो, एंड मैं वो देख नहीं रहा था कि इट शुड बी रिलेटेड टू माई फील्ड ओनली. I just अप्लाई कर रहा था. I was open to any kind of work. And interview process and all क्या रहता है? Like what they ask you actually interview में क्या रहता है? So I was shortlisted by 2 companies. एक कंपनी ने मेरे 3 इंटरव्यूज लेके 3 इंटरव्यू के बाद मुझे रिजेक्ट किया. एंड ये हाँ, और ये दूसरे कंपनी ने मुझे एक इंटरव्यू में ही
हायर कर लिया. तो पहला वाला एचआर का इंटरव्यू था, इट वाज बेसिकली अबाउट मी एज आउटलुक वगैरह ही पूछा. जो दूसरा और तीसरा इंटरव्यू था इट वाज कम्प्लीटली टेक्निकल. सो हाँ, तो इफ द जॉब इज वेरी मच टेक्निकल दे विल आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस आल्सो, बट इफ द जॉब इज काइंड ऑफ मोर और लेस इजी तो फिर थोड़ा बहुत एचआर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही पूछेंगे एंड लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल. राइट. So in total, कितने jobs के लिए apply किया था तूने? Almost 140 to 150. Oh man, crazy. Yeah, बहुत. देखा, so this is the struggle. ऐसा नहीं है कि immediately सब कुछ मिलता है, guys. We need to. But still, again, I would say it is variable because some students को 10 या 15 applications के बाद एक interview के लिए shortlist भी हो गए थे वो, and कुछ students जिनका almost 200 applications हो गए, but फिर भी अब तक उनको interview का कुछ call आया नहीं है. So it also depends so much on the students profile and. Yeah, इसमें मैं एक one और एक point add करना चाहूँगी, जैसे तूने कहा student profile, it also matters experience के ऊपर. Yes. अगर तुम्हारे पास bachelor's के बाद India से कुछ experience है, सिर्फ that matter 1 year का experience है after bachelor, that really helps you. And honestly, जो मुझे ये भी job मिला है, वो मेरे work experience के वजह से ही मिला है. Because back in India after bachelor's also मैंने एक साल काम किया था, and it was again project management वगैरह field में ही, and वो experience था, इसीलिए इन लोगों ने भी फिर मुझे hire कर लिया. So I would say experience does matter. Perfect. So thank you so much for this point, Jabun, and sharing your experience. Next question पे आते हैं, German language. So since Germany में रह रहे, what is the requirement working student job के लिए या part time students? Part time का तो हम लोग next इसमें cover करेंगे. But working student job के लिए कुछ German language लगा था? Yes. It again, अगर हमारा जो job description है, job designation है, it involves so much involvement with other German colleagues. So तब वो prefer करते हैं कि German speaking कोई बंदा होगा तो उसको hire करेंगे. अगर our job does not require too much involvement with other German colleagues, so उसमें तब फिर English से थोड़ा बहुत चल जाता है. एंड हाउ एवर इन माई केस ऑल्सो कि मेरे कुछ मीटिंग्स वगैरह होते हैं जो मेरे सुपरवाइजर्स के साथ होते हैं वो जर्मन में ही होते हैं. हाउ एवर जो बाकी का काम है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्टफ एंड ऑल ऑफ दोज सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इट्स कम्प्लीटली इन इंग्लिश. सो इट्स नॉट अ मैंडेटरी फॉर मी टू लर्न जर्मन. कमिंग बैक, आर यू लर्निंग जर्मन? जर्मन सीख रहे? I'm Vishant. A little bit. So perfect. सीख रहा हूँ मैं. मैं ट्राई कर रहा हूँ जर्मन सीखने का. हाउ एवर टाइम लेते हैं जर्मन लैंग्वेज, बिकॉज इट्स स्टिल एन आर्ट टू. Obviously, it's not easy, but like I always tell you guys, अगर जर्मनी आना चाहते हो स्टूडेंट्स स्टडीज के लिए या जॉब के लिए, प्लीज ऑलवेज लर्न जर्मन. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. एटलीस्ट बे आइंस तक तो करके आओ, बी वन तक अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आई वुड से लर्न एटलीस्ट B2. और इंडिया से द बेस्ट पार्ट इज इट इज यू नो चीपर. इट्स चीपर, यस. और जो कंपेयर टू यू, और जो हम इंडिया में सीखते हैं ना, वो हमको बहुत ऐसा बहला फुसला के सिखाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो आदमी जल्दी भी सीख जाता है जर्मन लैंग्वेज. सीरियसली. एंड आल्सो जर्मन लैंग्वेज प्लेज अ बिग रोल इन गेटिंग अ जॉब आल्सो. अगर भले ही वो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब होगा, वो लोग जो हायरिंग कमिटी है, इट दे विल प्रेफर जर्मन सीखा हुआ बंदा ओवर अ नॉर्मल इंग्लिश वाला ही. थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉइंट. सो यस, इट एड्स really weightage to your CV, not only to your CV and also interview में एक बहुत अच्छा impression आता है कि yes, ये बंदा सीख रहा है German, at least he is trying to adapt the culture. Yes. And that impacts a lot. So that's why guys, learn German. और अगर एक ये भी बताऊंगा, और अगर German ना भी आती होंगी ना, तो मैंने कैसा किया था, मैंने जो मेरा इंट्रोडक्शन था, आई गेस फोरस्टेलिंगन बोलते हैं उसको, सो फोरस्टेलिंग जो था मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने बस वो जर्मन में बोल दिया था. वो भी कैसा बोला था, मेरा इंटरव्यू ना ऑनलाइन हुआ था स्काइप पे. तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा, और उसके बाद जो नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं उनको ऐसे ऐसे साइड साइड में रख दिया था, सारे जर्मन में पूछे हुए, उनके आंसर्स भी जर्मन में. तो काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा आइडिया थी ही, वो अगर कुछ पूछा उन लोगों ने तो मैं बस ऐसे पढ़ के बता दूंगा, और अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा तो मैं इंग्लिश में बता दूंगा. तो मैंने ये बाद में हायर होने के बाद मैंने सुपरवाइजर को बताया. So he was again laughing and all, but उसने कहा कि yeah, it's still a good trick. He was happy, at least you tried. Yeah, exactly. और उन लोगों को वही चाहिए कि even if the बंदा is trying to learn or even trying to speak German, yeah, they will hire. Yeah, actually most important, जैसे कि मैं भी मेरे जर्मन कलीग से, इन लोग से बात करती हूँ ना, उन लोगों के लिए important ये है ना भाई, तो थोड़ा सा जर्मन बोल ला, वो लोग खुश हो जाएंगे. Exactly. इसी के नोट के साथ
आई थिंक लोस किड्स ना या लोस किड्स लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक कितनी सैलरी एज अ स्टूडेंट जर्मनी में अर्न कर सकते हैं और क्या वो सैलरी से एक बार ब्लॉक्ड अकाउंट तो अपना 1 ईयर तक रहता है ब्लॉक्ड अकाउंट खत्म होने के बाद क्या वो सैलरी से इनफ होता है लिविंग एक्सपेंसेस एंड ऑल कवर करना या फिर क्या हम लोग एंजॉय कर सकते हैं स्टूडेंट लाइफ ट्रैवल एंड ऑल सो विद नॉर्मल मेनियल पार्ट टाइम जॉब्स द मिनिमम वेज हियर इज 12.41 यूरोस पर आवर एंड इफ यू आर वर्किंग फॉर फुल 20 आवर्स इन अ वीक द स्टूडेंट कैन अर्न ऑलमोस्ट लाइक 960 टू 1000 यूरोस एंड उससे महीने का खर्चा निकल जाता है प्रॉपरली एंड दिस अमाउंट इज अ नेटो अमाउंट लाइक नेट इन हैंड इतना ही आता है एंड इफ वी आर वर्किंग इन द वर्किंग स्टूडेंट जॉब द कंपनी पेज अ लिटिल बिट मोर सो इन सर्टन केसेस वी कैन ऑल्सो अर्न 1200 टू 1300 यूरोस उससे खर्चा वगैरह तो निकल भी जाएगा जैसा तुमने पूछा था वेकेशंस वगैरह के लिए भी जा सकता है यूरोप टूर के लिए यस ऑफ कोर्स एंड हाईएस्ट पेइंग इज ऑलमोस्ट लाइक 1400 एंड इन सर्टन केसेस इट कैन ऑल्सो रेंज अप टू 15 टू 1600 यूरोस इन अ मंथ नेट इन हैंड नेट इन हैंड ओके दैट्स नाइस टू नो सो यहां पे जो ग्लैमराइज किया जाता है कि यहां पे आते हैं बच्चे लाखों लाखों रुपए कमाते हैं So with normal part-time jobs, it's very difficult to earn in lakhs. However, if you are getting a working student job, then there is a possibility you can earn almost good amount, yeah, good amount, almost job. in lakhs also. Yeah. So it's nice to know. Thank you, Jabur. Yeah. But जैसे कि तूने कहा, see, हम लोग ये figure out भी कर रहे हैं ना ये part-time jobs में आप 900 to 1000 euros भी कमा सकते हो. It completely depends आप कितने hours तक work कर रहे हो. Yeah. Working hours के ऊपर भी depend होता है और वो बहुत struggle भी है. वो हम लोग जैसे कि मैंने बताया next video में share करेंगे. There is also one website called numbio.com and वहाँ पे we can check our cost of living in particular cities of Germany or any other countries also. And वहाँ पे they also specify what is the average median salary net in hand of that particular city and country. Yes, because that is important. Salary also differ करता है region to region. Yes, exactly. Hamburg में different होगा, Berlin में different होगा. Yeah, ये point तो हुआ salary और इसके ऊपर. Now let's go. It's super windy. Yeah, a lot. Yeah. चल बस हो गया. Welcome to Hamburg. Thank you so much. इतना in detail video के लिए. So before video end करे, please कुछ advice. एज अ पर्सनल एडवाइस आई वुड से कि आफ्टर यू फाइंड एनी ओपनिंग ऑन लिंक्डइन और जिंग और एनी अदर वेबसाइट गो एंड चेक द कंपनी वेबसाइट ऑल्सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी की वेबसाइट पर ज़्यादा ओपनिंग्स हो सकती है बिकॉज वो लिंक्डइन पर इतने ज़्यादा नहीं डालेंगे एक या दो ही डालते हैं एंड कीप चेंजिंग योर सी वी एंड रेज्यूमे आफ्टर एवरी जॉब फॉर द एवरी जॉब यू अप्लाई एंड दिन का ऑलमोस्ट आई वुड से कि 5 से 6 एप्लीकेशन करते ही रहने पड़ेंगे एवरी डे So there is a chance that आपको एक महीने में एक या दो इंटरव्यू के कॉल आए So this could be my advice to all of the students. And I think one more point, sorry to interrupt you, जो तुमने बोला था वहाँ पे you know no matter कौन सा field होगा just apply करो right? Exactly, just keep on applying. If you are so much dire hungry for technical job, then just keep on applying. Be it management या technical या फिर industrial जो भी होगा job, just keep on applying. एक बार वो मिल जाए उसके बाद you can again try to switch. Yeah, exactly. Important is experience. Exactly. Gain the experience as much as German possible. German experience. और यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर द कंपनी के जो डेलीगेट्स है या एग्जीक्यूटिव्स है ऑन लिंक्डइन कीप ऑन सेंडिंग देम कोल्ड मैसेजेस वो उनके ऊपर है कि भाई वो रिप्लाई करे या ना करे बट इफ दे रिप्लाई यू कैन स्टिल हैव अ चांस टू गेट द अपने साइड से करते रहो भाई बिल्कुल यार सबको नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट जर्मनी में हो तो राइट सो इसी के साथ जबूर के साथ नेक्स्ट वीडियो तो बनाएंगे जब उसका मास्टर्स कंप्लीट होगा तब ही है ना व्हेन ही विल गेट अ परफेक्ट न्यू जॉब सो थैंक यू सो मच वंस अगेन जबूर फॉर दिस वीडियो एंड गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज गाइस डू गिव अ बिग लाइक टू आवर वीडियो एंड यस लास्टली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल दैट टाइम गाइस ऑफ विद ज़ेन ऑफ विद ज़ेन